दोस्तों, अभी तक आपने जितना भी सारे फोटो देखे गाइस, तो एक ही क्लिक में वैसा हम फोटो एडिट करेंगे। दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियोस को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको हैपिक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी गाइस, तो यहां से अपना हैपिक एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद से कुछ इस तरीके के इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको। यहाँ से आपका इमेज एंटर कर लेना है। दोस्तों हमने अपना इमेज एंटर कर लिया है इसमें, तो ऊपर की साइड में बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखने को मिल जाएंगे और नीचे की भी साइड में आपको ऑप्शन दिखने को मिल जाएंगे बहुत सारे। तो गाइस आपको करना क्या है, आपको सिंपली से नीचे की साइड में यहाँ से एडजस्ट का एक ऑप्शन देगा, यहाँ से एडजस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद से आपको क्रॉप का ऑप्शन देगा, तो क्रॉप वाले ऑप्शन में आना है। क्रॉप वाले ऑप्शन में आने के बाद से अपना फोटोज़ कुछ इस तरीके से साइज में क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद से आपको सही वाले ऑप्शन पे बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है। नीचे की साइड में AI एक्सपेंड का ऑप्शन देगा और रोटेट, तो आपको AI एक्सपेंड वाले पे क्लिक कर लेना है। AI एक्सपेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद से यहाँ से आप फोटो का साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से इधर या उधर जहाँ भी सेट करना चाहते हैं, आप जिस भी एंगल में आप सेट कर सकते हैं यहाँ से। तो हम लोग इतना पे करके गाइस चलते हैं। और नीचे साइड में आपको टेक्स्ट करने का ऑप्शन देगा, तो आप जिस भी तरीके से टेक्स्ट करना चाहते हैं आप उस तरीके से लिखकर आप फोटो जनरेट कर सकते हैं। तो चलते हैं गाइस, हम पहले से लिखे हुए थे तो इसे पेस्ट कर देते हैं हम। तो यहाँ से सीटिंग इन ए फील्ड ऑफ फ्लावर्स, यहाँ से मैं ये टेक्स्ट किया था, तो यहाँ से टेक्स्ट करने के बाद से यहाँ से अलाउ कर देंगे और ये टेक्स्ट आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप यूज़ कर सकते हैं। और नीचे की साइड में जनरेट का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से आपका यहाँ से फोटो एक्सपेंडिंग होगा गाइस, तो वेट कर लेते हैं थोड़ा बहुत। दोस्तों आपका नेट ओपन रहना चाहिए, डाटा फ़ोन का ऑन रहना चाहिए, तभी आपका ये वर्क करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो यहाँ से हमारा 99% हो चुका है, आपके इंटरनेट के हिसाब से ये चल देगा, तो वेट कर लेते हैं थोड़ा बहुत। सो दोस्तों यहाँ से आपको तीन तरीके के रिजल्ट शो होंगे। देन गाइस आपको यहाँ से तीन तरीके के रिजल्ट दिखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ से नीचे की साइड में तीन तरीके के रिजल्ट शो होगा, तो आपको जो भी फोटो पसंद आ रही है आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं तीनों। तो उसके बाद से यहाँ से आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद से देन आपको सही वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से अगर आप फोटोज़ को इनहेंस करना चाहते हैं, साफ़ करना चाहते हैं रेमनी, तो यहाँ से आप कर सकते हैं इनहेंस फेस और इनहेंस, तो यहाँ से आप अपनी फ़ोटोज़ को क्लीन कर सकते हैं। कभी कभी फ़ोटोज़ क्लियर नहीं होती है, तो यहाँ से आप अपनी फ़ोटोज़ का रेजुलेशन इनहेंस इमेज कर सकते हैं। ये आपका फोटोज इनहेंस करके ऑटोमेटिक दे देगा। तो दोस्तों ये क्लियरली आपका फोटोज इनहेंस करके दे देगा ऑटोमेटिक। तो
आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देन यहाँ से देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर ऐसे। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं।